हमारे देश भारत में विक्रमादित्य, हर्षवर्धन और अशोक जैसे कई महान सम्राट हुए हैं, जिनकी न्यायप्रियता और दयालुता के किस्से आज भी सुनाए जाते हैं। पर वहीं कुछ शासक ऐसे भी हुए हैं जो बहुत ही बेरहम थे। सत्ता पाने के लिए इनमें से कई शासकों ने आम लोगों पर जुल्म किए, तो कईयों ने सत्ता के लिए अपने ही पिता और भाइयों की हत्याएं करवा दी। इतिहास में इन राजाओं की क्रूरता के कई उदाहरण मिलते हैं, जो आपको यह सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि कोई व्यक्ति इतना भी बेरहम हो सकता है। आज हम इस वीडियो में भारत के कुछ ऐसे ही क्रूर शासकों के बारे में जानेंगे, जिनकी बेरहमी के किस्से आज भी भारतीय इतिहास में मशहूर हैं। तो आइए जानते हैं कि आखिर कौन थे वो सबसे क्रूर शासक जिन्होंने भारत के स्वर्णिम इतिहास को ही कलंकित कर दिया। सो दोस्तों, वीडियो में अंत तक जरूर बने रहना। नंबर 7, मिहिरकुल हूड। मिहिरकुल एक हूड शासक था, पर असल में हूड कहां से थे इस बारे में इतिहासकारों के अलग अलग मत हैं। लेकिन ज्यादातर इतिहासकार हूडों को चीनी शासक ही मानते हैं। 500 ईस्वी के दौरान हूडों ने भारत पर आक्रमण किया था। कहा जाता है कि एक बार मिहिरकुल ने बौद्ध धर्म के बारे में जानने के लिए बौद्ध भिक्षुओं को बुलवाया था, लेकिन भिक्षु मिहिरकुल की क्रूरता से परिचित थे, इसीलिए उन्होंने अपने गुरु की जगह एक सेवक को बौद्ध ज्ञानी बताकर मिहिरकुल के पास भेज दिया। परंतु जब मिहिरकुल को इस बात का पता चला तो वह आग बबूला हो गया, जिसके बाद उसने बौद्ध धर्म और उसे मानने वालों को खत्म करने का प्रण लिया। अपने बदले की आग में मिहिरकुल ने बौद्ध धर्मियों का कत्लेआम शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, उसने कई बौद्ध मंदिरों को तोड़कर बर्बाद कर दिया, तथा मिहिरकुल ने भारत के सबसे पुराने धरोहर नालंदा विश्वविद्यालय पर भी हमला किया। इसके अलावा मिहिरकुल एक शिव भक्त भी था। वह शिव के अलावा किसी अन्य धर्म या संस्कृति में विश्वास नहीं रखता था। नंबर 6, महमूद गजनवी। गजनवी ने भारत के कई हिस्सों पर हमला बोला था। 1001 से लेकर 1026 ईस्वी के मध्य में उसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। इन सभी आक्रमणों में उसने बुंदेलखंड, किरात, लौहकोट, ग्वालियर, कलिंजर लोगार्द, चिकलोदर तथा अन्हिलवाड़ को जीता और लूटपाट के साथ साथ क्रूरतापूर्वक लोगों की हत्याएं भी की। उसका सबसे प्रसिद्ध हमला गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर था। कहा जाता है कि उसने 1024 ईस्वी में अपना 16वां आक्रमण सोमनाथ पर किया था, जिसमें उसने वहां के प्रसिद्ध मंदिरों को तोड़ा और वहां से अपार धन प्राप्त किया। इस लूटपाट में उसने करीब 50,000 ब्राह्मणों और हिंदुओं का कत्ल भी किया था। नंबर 5, तैमूर लंग। इतिहासकार कहते हैं कि तैमूर लंग भी चंगेज खान के जैसा ही क्रूर शासक था। जब तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया, उस वक्त भारत में तुगलक वंश का शासन था। उसने दिल्ली पर आक्रमण कर तुगलक वंश का अंत कर दिया। कहा जाता है कि उस वक्त तैमूर ने दिल्ली को कसाई खाना बना दिया था। तैमूर के जाने के बाद दिल्ली मुर्दों का शहर बनकर रह गया था। तैमूर इतना क्रूर था कि उसने 2000 जिंदा आदमियों को एक मीनार बनवाकर उन्हें ईंट और गारे से चुनवा दिया था। नंबर 4, अलाउद्दीन खिलजी। भारतीय इतिहास में अलाउद्दीन का नाम सबसे क्रूरतम शासकों के रूप में दर्ज है। अलाउद्दीन पर जंग जीतने का ऐसा जुनून सवार हुआ कि लोगों को मारने में उसके हाथ तक नहीं कांपते थे। जिस वक्त मंगोलों का नाम सुनने मात्र से ही लोगों की रूह कांप जाती थी, उस समय अलाउद्दीन ने कई बार मंगोलों पर विजय प्राप्त की थी। खिलजी ने मंगोलों पर ऐसा कहर बरपाया था
कि उन्होंने उसके डर से इस्लाम कबूल कर लिया था। कहा जाता है कि खिलजी ने 30,000 मंगोलों को मौत के घाट उतार दिया था और उनके परिवारों को अपना गुलाम बना लिया था। नंबर 3, औरंगजेब। भारत में कई मुगल शासक हुए हैं, परंतु उनमें सबसे ज्यादा क्रूर शासक औरंगजेब ही था। वह शाहजहां और मुमताज का बेटा था। गद्दी के लालच में औरंगजेब ने किसी को भी नहीं छोड़ा। उसकी क्रूरता का पता इस बात से चलता है कि उसने सत्ता के लिए अपने ही पिता को कैद करवा लिया था और अपने सगे भाइयों व भतीजों की बेरहमी से हत्याएं करा दी थी। औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर का सिर कलम करवाया था और गुरु गोविंद सिंह के बच्चों को जिंदा दीवार में चुनवा दिया था। औरंगजेब के शासन के दौरान हिंदू धर्म को मानने वालों पर बहुत अत्याचार किए गए। उसने यह ऐलान करवाया था कि उसके राज्य में गैर मुस्लिम लोग या तो इस्लाम कबूल कर ले या फिर मरने के लिए तैयार हो जाए। इसके शासन में ज्यादातर ब्राह्मणों को जबरन मुस्लिम बनाया गया था। औरंगजेब ने कई मंदिरों को तुड़वा दिया था। इसके अलावा उसने सार्वजनिक तौर पर हिंदू त्योहारों को मनाने पर भी प्रतिबंध लगा दिया था। नंबर 2, नादिर शाह। नादिर शाह एक ईरानी शासक था। उसने भारत पर आक्रमण कर कई तरह की लूटपाट और कत्लेआम को अंजाम दिया था। उस वक्त उसने दिल्ली के बादशाह मुहम्मद शाह को हराकर वहां से अपार संपत्ति अर्जित की थी, जिसमें कोहिनूर का हीरा भी शामिल था। युद्ध में हारने के बाद मुहम्मद शाह ने यह अफवाह फैलाई थी कि नादिर शाह मारा गया। इससे दिल्ली में भगदड़ मच गई और फारसी सेना का कत्ल शुरू हो गया। परंतु जब नादिर शाह को यह बात पता चली तो उसने दिल्ली में भयानक खून खराबा किया और एक दिन में हजारों लोगों को मौत के घाट उतार दिया और भारी मात्रा में धनराशि लूट ली। नंबर 1, बाबर। भारत में मुगल वंश का संस्थापक बाबर ही था। बाबर का मेवाड़ के राजा राणा सांगा के साथ युद्ध बहुत चर्चित है। बाबर ने अपने शासन काल में हजारों हिंदुओं का कत्ल करवाया था और हिंदू मंदिरों को नष्ट करवा दिया था। इसके अलावा बाबर ने ग्वालियर के निकट उरवा में जैन मंदिरों को भी नष्ट करवा दिया। उसने चंदेरी के प्राचीन और ऐतिहासिक मंदिरों को तोड़वा दिया, जो आज भी खंडहर के रूप में मिलते हैं। सो दोस्तों, इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और दोस्तों के साथ शेयर कर दो और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी को दबा देना। मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में। जय हिंद।